प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले पेपर सेकंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के विषय में अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी रही हैं अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐतिहासिक इतिहास क्या रहा है, इसके साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति और सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने के लिए तथा मानवीय समस्याओं के निदान के लिए अपने अंगों एवं अभिकरणों के माध्यम से किस प्रकार अपनी उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन करता है। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म के लिए ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी रही थीं, उन परिस्थितियों के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और हमें यह ज्ञात होगा कि 1914 से लेकर वर्ष 1918 तक प्रथम महायुद्ध लड़ा गया, प्रथम महायुद्ध की विभीषिका और अन्य जटिलताओं के बाद विश्व के राष्ट्रों को यह चिंतन मनन और विश्लेषण करना पड़ा कि यदि मानव जाति को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, जो मानव निर्मित धरोहरें हैं उन धरोहरों को बचाए रखना है तथा भविष्य में विश्व राष्ट्रों को युद्ध की ज्वाला से दूर रखना है, तो एक ऐसे संगठन को जन्म देना होगा जो संगठन विश्व में शांति और सुरक्षा की वातावरण को बनाए रखने में कामयाब हो। संभवतः इसी सोच के साथ अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने विश्व के राष्ट्रों के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा कि हमें एक ऐसे संगठन को जन्म देना होगा जो विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो। लेकिन आश्चर्य की बात अथवा दुर्भाग्य की बात कि जिस वुड्रो विल्सन ने राष्ट्रसंघ के जन्म को लेकर अथवा उसकी उत्पत्ति को लेकर विश्व के राष्ट्रों को प्रेरित किया, उसी वुड्रो विल्सन ने अथवा उसी अमेरिका ने राष्ट्रसंघ की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने से इनकार कर दिया। लिहाजा राष्ट्रसंघ अपने जन्म जनवरी 1920 से लेकर अपनी मृत्यु सितंबर 1939 तक एक असहाय बालक की तरह सिर्फ लड़खड़ाता रहा। उक्त संदर्भ में यदि हम प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक गैथॉर्न हार्डी के उस वक्तव्य को उल्लेखित करें तो कुछ गलत नहीं होगा, जिसमें गैथॉर्न हार्डी ने कहा था कि राष्ट्रसंघ उस अनाथ बालक की तरह था जो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक लड़खड़ाता रहा। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि अमेरिका के द्वारा अथवा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के द्वारा राष्ट्रसंघ की
प्राथमिक सदस्यता लेने से इनकार करने के बाद राष्ट्रसंघ अस्तित्व में तो आया, लेकिन राष्ट्रसंघ के चार्टर और उसके विधान को स्वीकारने में विश्व के अन्य राष्ट्रों ने हीला हवाली की। लिहाजा सशक्तिकरण की नीति उभर के सामने आई। एक ओर जापान में तीजो, इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर, ये कुछ इस तरीके के तानाशाह उभर कर सामने आए जिन्होंने शस्त्रीकरण की नीति को तवज्जो दी। हथियारों का उत्पादन अधिक मात्रा में करना प्रारंभ किया ताकि वे उन हथियारों को बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। परिणाम स्वरूप जिस उद्देश्य को लेकर राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी अथवा राष्ट्रसंघ को जन्म दिया गया था 10 जनवरी 1920 को, वो उद्देश्य और वे चार्टर जिसमें शांति, सुरक्षा और मानवीय हितों की बात की गई थी, मानवीय समस्याओं को समाधित करने की बात कही गई थी, वह खोखली साबित हुई। एडोल्फ हिटलर, मुसोलिनी और तोजो जैसे अधिनायकवादी शक्तियों के उदय के कारण शस्त्रीकरण की जो नीति थी वो उभर कर सामने आई। लिहाजा 3 सितंबर 1939 को एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय महायुद्ध का प्रारंभ कर दिया। द्वितीय महायुद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चलता रहा और युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय एवं 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक 2 अणुबम गिराए गए और अणुबम गिराए जाने के साथ ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके आत्मसमर्पण करने के साथ ही द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति मानी जाती है। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद पुनः विश्व राष्ट्रों ने ये चिंतन किया, ये मनन किया, ये विश्लेषण किया कि यदि उन्हें युद्ध की विभीषिका से बचना है, मानवीय धरोहरों और संस्कृति को बचाना है, मानवीय समस्याओं का मिलकर सामना करना है, तो उन्हें एक ऐसे संगठन को जन्म देना होगा जो संगठन राष्ट्र संघ की तुलना में अधिक प्रभावशाली एवं ताकतवर हो। लिहाजा 24 अक्टूबर 1945 को इसी सोच के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था को जन्म दिया गया, जो संस्था 1945 से लेकर अद्यावधि तक अपने कार्यों के माध्यम से विश्व में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने का कार्य कर रही थी। तो ये तो था संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति अथवा जन्म अथवा गठन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे, ये अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने किन किन अंगों और अभिकरणों अथवा एजेंसीज के माध्यम से विश्व में शांति और सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने का कार्य करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यतः 6 अंग हैं, जिसमें पहला अंग है महासभा, जिसे जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो अंग है वो है आर्थिक एवं
सामाजिक परिषद जो तीसरा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट जो अंग है वो है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप के नाम से जिसे हम जानते हैं। उसके साथ साथ सेक्रेटरीट सचिवालय और अंत में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये छह मुख्य अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिन अंगों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति और सुरक्षा के साथ साथ मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के साथ साथ कुछ अभिकरण भी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिनको एजेंसीज के नाम से जाना जाता है, और हमने प्रायः सुना भी है उनका नाम, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, उसके अलावा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसी तरीके से विश्व कृषि संगठन और अन्य अभिकरण हैं जिन अभिकरणों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय समस्याओं के समाधान और विश्व में शांति और सुरक्षा के वातावरण को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का प्रश्न है, तो विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदारी, जो उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सौंपा गया है, वो सिक्योरिटी काउंसिल को है, सुरक्षा परिषद को। और सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म अथवा 24 अक्टूबर 1945 से लेकर आज तक अपने अपने पदों पर बने हुए हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 सदस्य हैं जिनको परमानेंट मेंबर माना जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का, सुरक्षा परिषद का। और इन 5 राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के तहत वीटो पावर अथवा निषेधाधिकार प्राप्त है। जो 10 सदस्य और स्थायी सदस्य माने जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वे जनरल असेंबली अथवा महासभा के माध्यम से हर 2 के लिए चुने जाते हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यों अथवा परमानेंट मेंबर्स का और उनको प्राप्त वीटो पावर अथवा निषेधाधिकार का प्रश्न है, तो कोई भी प्रस्ताव जब सुरक्षा परिषद के पटल पर लाया जाता है, तो उस प्रस्ताव पर यदि किसी भी स्थायी सदस्य राष्ट्र अथवा जिन राष्ट्रों को वीटो पावर प्राप्त है, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इसमें इनमें से किसी ने भी यदि वीटो कर दिया, तो वह प्रस्ताव खारिज हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये कि जो टेम्परेरी मेंबर्स हैं और स्थायी सदस्य हैं, उनका किसी भी प्रस्ताव में कोई खास रोल नहीं होता है। यदि विशेषाधिकार प्राप्त है, निषेधाधिकार प्राप्त है, तो वह केवल उन 5 राष्ट्रों को प्राप्त है, और ये 5 राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से लेकर आज तक उस वीटो पावर का इस्तेमाल
करते चले आ रहे हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में जो योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने जन्म से लेकर आज तक अद्यावधि तक या अद्यतन दिया है, उसका यदि मूल्यांकन किया जाए तो क्या वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में कामयाब रहा है? ये प्रश्न हमारे जेहन में उठता है, तो इसका उत्तर हम 1945 से लेकर आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कार्य रहे हैं उनके आधार पर कर सकते हैं। और निसंदेह कहा जा सकता है कि वो चाहे हमारे देश भारत का प्रश्न रहा हो, कश्मीर का, स्वेज नहर का मामला रहा हो, ईरान इराक के बीच जो झगड़ा रहा है वो रहा हो, अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का प्रश्न रहा हो, उसके साथ साथ हर्जेगोविना का मामला और कुछ अन्य इस तरीके के ज्वलंत मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों को समाधित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया है। ये बात दीगर कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को जो वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अधीन प्राप्त है, उसके तहत इन राष्ट्रों के द्वारा अनेकों मामलों में अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अथवा अपने राष्ट्रीय हितों के दृष्टिगत निर्णय लिए गए हैं, यदि किसी मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ असफल सा सिद्ध हुआ है तो उसका मूलभूत कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद नहीं थी अथवा सुरक्षा परिषद उसके लिए उत्तरदायी नहीं रही है। अभी तो उसके लिए अगर उत्तरदायी कोई रहा है तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन रहा है। इन राष्ट्रों ने अपने निजी हितों के लिए अनेक मामलों को डाइवर्ट करने की कोशिश की है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि यदि विश्व राष्ट्रों को अथवा जनमानस को तृतीय विश्व युद्ध नहीं देखना पड़ा है अथवा नहीं झेलना पड़ा है तो उसके पृष्ठभाग में यदि कोई है तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ ही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में होने वाले संघर्ष को रोकने का प्रयास किया है। संघर्षों को अथवा युद्ध को विश्व युद्ध बनने से रोकने का प्रयास किया है। और यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि द्वितीय महायुद्ध से लेकर अद्यावधि तक जितने भी संघर्ष अथवा युद्ध विश्व राष्ट्रों के मध्य हुए हैं वे सभी सीमित युद्ध अथवा लिमिटेड वॉर के अंतर्गत आते हैं। ये बात दीगर कि कुछ ऐसे सिद्धांत द्वितीय महायुद्ध के बाद अस्तित्व में आए, जैसे सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत अथवा शक्ति संतुलन का सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ डिटरेंस, भयादोहन का सिद्धांत अथवा तनाव शैथिल्य का सिद्धांत। ये कुछ सिद्धांत थे जिन सिद्धांतों ने विश्व राष्ट्रों को युद्धों की ओर उन्मुख होने से बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में यदि कुछ था, कोई था, तो वह
संयुक्त राष्ट्र संघ ही था, लिया जाए निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि विश्व में शांति और सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने एवं मानवीय समस्याओं के समाधान के प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया है। धन्यवाद।